असली मजे तो यही है। उधर वेट कर भाई, वहां सही आ रही है। क्या आ रही है? धूप यहाँ भी आ रही है। धूप तो यहाँ भी आ रही है, कुछ और आ रही है तो बताओ। रात में मैंने सोचा साला एक काम कर रहे, तीनों ना एक दूसरे के उस पे थोड़ी देर ना एक बार पैर से गांड देते हैं, ठीक हो जाता वो दर्द। जैसे अब जैसे आपका मैं ऊपर पैर रखी हूँ, दबा दूंगा ना तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। मेरे को दर्द नहीं है, मेरी आपकी थाइज में दर्द नहीं हो रहा? ये जैसे इन दोनों के बीच में, ये यहाँ दर्द नहीं हो रहा इन दोनों हिस्से में और ये वाले हिस्से में? तो मेरे क्यों हुआ साला? कंटिन्यू बाइक चल, बाइक तो आपने भी चलाई है लेकिन आपको आदत नहीं है ना। दूसरी बात है, अभी मैं भी एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहा था, मैं जिम वगैरह अभी सोच रहा हूँ उस पार्टी पे लॉन्च करेंगे। यहाँ से छलांग मारी तो चाय भी, हाँ चाय पी के पी ली चाय। आकाश को आकाश वृक्ष है। मैं दे अरे कल वो पता नहीं कौन सी कहानी सुना रहे थे मेरे को, मेरे को बोला भूत वाली कहानी सुना, मेरे को बोला सो गए क्या? मैं कह रहा नहीं जगा हुआ हूं। वो पता मैं सो रहा था। नहीं मैं बार बार बोल रहा नींदे बोल रहा था। नहीं आप सो रहे थे, मेरे को कान में आपकी आवाज तो आ रही थी लेकिन क्या बोल रहे थे उसके वर्ड्स नहीं आ रहे थे मेरे को। इतनी अच्छी नींद आई, इतनी क्वालिटी वाली नींद आई है ना, आप यकीन नहीं करोगे कि हम सुबह उठे हैं और बिल्कुल फ्रेश हो गए। लेकिन यार अच्छा है, ऐसा नहीं है कि खराब, इतना खराब वॉस एक्सपीरियंस नहीं बोल सकते इसको। हमने इन तो एंजॉय किया अपना फंक्शन। हां इसको देखो, जिसको एंजॉय करना होता है ना वो कहीं पे भी एंजॉय कर लेता है। वॉस एक, आप इसको वॉस एक्सपीरियंस नहीं कह सकते, अच्छा एक्सपीरियंस था। था बस वही ट्रैवलिंग का, ट्रैवलिंग ये ट्रैवलिंग ज्यादा थी भाई, बाइक की ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा। दूसरी बात लगता नहीं जैसे मुक्तेश्वर गए तो वो तो बहुत ज्यादा था। लेकिन ये है कि इसमें हमें तो मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर वाले में और इसमें कंपैरिजन में आपको ये क्यों ज्यादा लग रही है? मुक्तेश्वर 340 किलोमीटर का, तो ये क्यों ज्यादा लग रही है आपको? क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा ज्यादा, ज्यादा नहीं देखो बाइक पे मुझे ज्यादा नहीं लग रहा। दिल क्योंकि आप लोगों का एक्सपीरियंस उतना नहीं है ना, इसे टाइम हो गया काफी, मुझे टाइम हो गया। फिटनेस भी का होता है इस वजह से, मैं बहुत फिट था भाई। हम ऐसे मैं लगाओ कि मैंने लेह में 700 किलोमीटर बाइक चलाई है अकेले, 700 किलोमीटर मानोगे? वो जो बाइक चलाते हार्ले डेविडसन वगैरह जो बड़ी बाइकें चलाते हैं ना, वो इतनी लग्जरियस बाइकें होती है ना, उनकी सीटों में कुछ ना कुछ होता है। जैसे मैं बुलेट लगाओ भाई उस टाइम, मेरा रीजन ये भी है कि बुलेट पे उतना कंफर्टेबल था नहीं। मैं आपको ले में जब मतलब प्रॉपर उससे बनाते हैं, वो प्रॉपर एक्सपीरियंस है, वो टेस्टिंग के बाद बनती है। अब इतनी टेस्टिंग है, 110 cc में इतनी टेस्टिंग थोड़ी ना कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट भी तो मेंटेन करके चल रही है उसके अकॉर्डिंग। बुलेट अच्छी है लेकिन बुलेट ना 350 मेरे को मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ले में सक्सेसफुल नहीं है, 500 ज्यादा सक्सेसफुल है। 300 जवाब दे देती है भाई, एक जब एक जगह मैं मतलब पैंक कहां ऊपर चढ़ने पे, चढ़ने पे खारदुंग में जब चढ़ने लगते हैं ना, जब वो 300 cc 350 cc जवाब दे देगी तो 110 का क्या होगा भाई? पूरा पूरा दिया था मैंने एक्सीलेटर पूरा, और मेरे साथ मतिंदर था ना, उसकी एक्सीलेटर की तार ही टूट गई। हम दो थे एक्चुअली, बाइक पे सामान भी बहुत ज्यादा सामान पटना लोड था, हम तगड़े थे। एक्सीलेटर की तार टूट जाए तो क्या क्या किया फिर? उसके बाद उसको लगाया, मैं गया फिर आगे नुबरा वाली साइड, 1.5 किलोमीटर रात के 9:30 बजे में अकेले एक बंदे को लेने गया मैकेनिक के, फोन करके ऑनलाइन देखा वहाँ से हमने इसको, मैंने इसको लेके आया, मतिंदर की एक्सीलेटर की तार नहीं डलवाई। कभी ऐसा सिचुएशन आया आपके इसमें, आप घूमे हो कभी ऐसा हुआ है कि आपका टायर पंचर हो गया हो और ऐसी सुनसान जगह पे? मेरे साथ तो एक्सीडेंट हुआ है खारदुंगला में, हुआ यह था कि पेट्रोल की टैंकी थी दोनों जगह, ठीक है, एक आग मैंने अपने पाँव पर रखी थी, तो क्या हुआ कि मतलब कि कैनिस ली थी, अच्छा पेट्रोल, हाँ पेट्रोल क्योंकि ऊपर नहीं मिलता प्रोविजन के लिए। तो क्या था, वो रोड इतना गंदा है खारदुंगला का, मतलब कि है चौड़ा रोड है लेकिन उस रोड में इतने खड्डे हैं ना कि आपका बाइक फिसला तो आप उल्टा। इस रोड पे ऊपर पहाड़ में आते समय भी कई जगह हमें ऐसी रोड मिली थी, अचानक से आप तेज चल रहे थे और बीच में खड्डा आ गया, ऐसी कई बार हुआ है। फिर क्या हुआ कि मैं ना, मेरी ना पीछे पेट्रोल की एक गैलन फट गई,
तो मेरा क्योंकि ऊपर लेकिन कभी आप अभी आपने जब मेरे को देखा होगा पहाड़ों पे राइड करते हुए तो आपके दिमाग में आया होगी ये साला आदमी ने कहीं ना कहीं तो चलाई चलाई मुझे भी ऐसा लग रहा था ऐसा लगा बस एक चीज आपको कमी है थोड़ा सा ये कि थोड़ा क्या आप जैसे इसकी बुलेट है आपकी बाइक में कंट्रोल नहीं होगी हाँ ये तो हल्की बाइक है ना वो कंट्रोल नहीं होगी इसको बिल्कुल आराम से चलाओ ये कंट्रोल ये तो है कंट्रोल क्योंकि ये बुलेट है ना बुलेट जैसे मुड़ेगा ना वैसे ही कंट्रोल कर लेगा ये भी मेरी आरटीआर भी कंट्रोल होती है इसमें मेरी एबीएस है मेरी डबल एबीएस है तो मैं ब्रेक मारूंगा मेरी बाइक उससे रुक जाती है आपकी नहीं रुकी नहीं रुकती नहीं रुकती सबसे बड़ा जैसे कहीं पे बजरी पड़े हुआ दिखता है ना स्पीड वहाँ पे आप एकदम स्पीड स्लो कर लो ना रोकी दो बिल्कुल रोकी दो क्योंकि मैंने आपको देखा आप टर्न्स पे ऐसे ऐसे करके चल रहे थे ठीक है वो टर्न एक रुकती नहीं है पावर नहीं है ना बाइक की कभी टर्न पे ना ओवरटेक नहीं करना चाहिए कभी नहीं कभी सामने से पता नहीं है तो उधर से कौन आ रहा है तो मेरे से क्या हुआ कि मेरी बाइक ना स्लिप हो गई तो हेलमेट पहनी हुई थी नीचे इतना बड़ा पत्थर हो गया मेरा सिर पत्थर में पड़ा अच्छा वही वाला बता रहे हो क्या कि वो ड्रोन से देखा एक बंदा गिरा हुआ है फिर क्या हुआ लड़के आ रहे थे बहुत ड्रोन से लेके ड्रोन का उड़ रहा था पहले उससे उन्होंने मुझे कैप्चर कर लिया फिर वो कम से कम आधे घंटे बाद आया वो लड़के 10-15 लड़के कोई बंदा गिरा हुआ तो लेकिन मैं ऐसे लेट वो कोई और ग्रुप का था लेकिन मेरा जो पार्टनर था वो आगे निकल गया था बहुत आगे निकल गया उसको मैं बोल भी रहा था कि आस्ते चल आस्ते और वो बाइकर था उसके पास बुलेट है उसकी क्लच की फाइट भी टूटी उसके एक्सीलेटर की वायर भी टूटी और मेरी एक बार भी नहीं टूटी आपका भाई मेरे को जो लगी है ना मैंने गार्ड पहना था मेरे शूज थे जो मैं पहन तो बेहोश हो गया था क्या थोड़ी देर के लिए मेरा अनकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस हो गया था इसका मतलब ये रिस्क है फिर नहीं